कर देता है, ये एफआरपी नहीं मांगता है। जिन जिन ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए यहाँ पे हमारा चैनल सर्च करेंगे और यहाँ पे हमारा देख सकते हो चैनल आ जाएगा, उस पर जाके रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे घंटी का बटन आएगा तो घंटी के बटन को ऑन नोटिफिकेशन में कर देना ताकि जो भी वीडियो डले कोई भी पोस्ट आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देख सकते हो हमारे पास जो फ़ोन है यहाँ पे रियलमी का फ़ोन है, देख सकते हो यहाँ पे रियलमी का फ़ोन है। और यहाँ पे चलिए मैं देख सकते हो इस पर लगा हुआ है स्क्रीन लॉक वगैरह। तो आज हम इसका पैटर्न हो या स्क्रीन लॉक हो जो भी होगा, आज हम इसको रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे वो बताएंगे इस वीडियो की मदद से, वो भी एकदम फ्री टूल से करने वाले दोस्तों। और यदि आपको अपने हैंडसेट का मॉडल देखना है तो आपको जस्ट ये डायल करना है *899#, *899# करेंगे और फिर यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर वर्जन पे जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो RMX 1945 जो दिखा रहा है इस पे, ये इसका मॉडल है जिसको हम Realme C2 कहते हैं। और यदि आपको फ्लैश फाइल भी डाउनलोड करना है तो दोस्तों देख सकते हो RMX A25, मतलब वर्ज़न यहाँ से आप देख सकते हो और नेट से निकाल के फ्लैश भी कर सकते हो, इनके हिसाब का फ़ोन हैंग ऑन लोगो हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों सिंपल सा है, देख सकते हो लॉक लगा हुआ है। हम पासवर्ड डालेंगे तो देख सकते हो रिट्राई पे आ चुका है दोस्तों। तो एकदम इजी प्रोसेस है, हम बताएंगे आपको। और दोस्तों वीडियो का गलत यूज़ ना करें, सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आपका कभी फ़ोन ऐसा हो जाए तो आप अपने फ़ोन में खुद कर सके। गलत कुछ मत कीजिएगा अनलॉकिंग के टाइम। तो यहाँ पे चलेंगे अब अपने लैपटॉप में, करते हैं इसकी अनलॉकिंग, फ़ोन की इसका लॉक रिमूव करेंगे और होता है कि नहीं होता है फुल प्रोसेस बताता हूँ दोस्तों। तो चलिए अब अपने लैपटॉप में चलते हैं और करते हैं इसका हम लॉक को रिमूव। अभी फ़ोन को ऑन ही रहने देता हूँ दोस्तों ताकि आपको ये वीडियो फेक ना लगे। तो चलिए चलते हैं अब अपने लैपटॉप की तरफ। तो दोस्तों देख सकते हो हमने जो फाइल डाउनलोड करके ये न्यू फोल्डर के अंदर रख लिया है। तो आपको फाइल पे जाके यहाँ पे राइट क्लिक करना है फाइल पे आके, और एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, एल कैपिटल लिखना है, लव मोबाइल डाल देना है, स्पेस दे के एम को कैपिटल कर देना, बाकी MOBILE ये पासवर्ड है इसका, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ओके कर देना है। तो ये फाइल हमारी हो चुकी है एक्सट्रैक्ट, देख सकते हो। तो इसको भी आपको एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है, और इसको भी, ये MCT को भी एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है, और इसको भी आपको एक्सट्रैक्ट, सारी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है दोस्तों। तो सारी फाइल्स को हम एक्सट्रैक्ट हेयर कर देते हैं, और SP फ्लैश टूल को भी एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो हमारी जो फाइलें हैं सारी हो चुकी हैं एक्सट्रैक्ट हेयर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये MTK का USB ड्राइवर्स हैगा, तो इस पर डबल क्लिक करके, ऐसे जैसे अपन एप्लीकेशन आप अपना कोई भी सिस्टम का इंस्टॉल करते हैं, डबल क्लिक करके ओके कर देना है। यहाँ परमिशन मांगता है तो यस कर देना, नहीं तो आपका डायरेक्ट इंस्टॉल का ऑप्शन आता है। तो जैसा नॉर्मल इंस्टॉलेशन करते हैं आपको यहाँ से एक्सेप्ट करना है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। ये चाइनीज़ लैंग्वेज का है लेकिन आप घबराइए मत, ये सिर्फ ड्राइवर है जो फ़ोन को कनेक्ट करेगा कंप्यूटर से। तो इसको कट करेंगे, कैंसिल करते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी, हमको समय ज़्यादा हो जाएगा फिर। और फिर ये आपको देख सकते हो ये जो हैगा USB bin 32 जो लिखा हुआ है, इस पर डबल क्लिक करके आपको यहाँ से इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। जब आप ये इंस्टॉल करोगे तब हम इसकी प्रोटेक्शन को डिसेबल कर सकते हैं, ये MTK जो लिखा है, ये बाईपास टूल देख सकते हो, MCT MTK ऑथेंटिकेशन बाईपास टूल है जो। तो उसके बाद दोस्तों ये ऐसी फाइल मिलती है आपको, देख सकते हो Realme C2 C2S की, ये दोनों फोल्ड में वर्क करती है, ये तरीके की कुछ फाइल होती है दोस्तों, देख सकते हो। तो चलिए इसको भी हम बैक करते हैं और बैक करेंगे, और ये हमको फ्लैश टूल मिल जाता है दोस्तों। तो आप चलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फ्लैश टूल पे जाना है, फ्लैश टूल को यहाँ से ओपन कर देते हैं, ये होता है हमारा फ्लैश टूल, डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो टूल ओपन हो चुका है, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको चूज़ प्रोग्राम में जाके फिर डेस्कटॉप पर जाना, जहाँ आपने फाइल को रखा हो आप वहाँ जाइए, हमने तो डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर के अंदर रखा रहा। तो चलिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, C2 के अंदर जाएंगे, फिर ये Realme C2 के ही अंदर जाना है, फिर
फिर इसी क्लिक करके डबल क्लिक करके ओपन करना है। तो देख सकते हो स्केटर में एंड्रॉयड स्केटर फाइल लोड होगी, ओपन करते हैं। फिर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फाइल पे क्लिक करते हैं, चूज़ प्रोग्राम में जाएंगे, देख सकते हो ऑथेंटिकेशन फाइल ओपन कर देना है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, अब आपको फॉर्मेट लेंथ में जाके मैन्युअली चले जाना है और इसको यहाँ से कट कर देना है दोनों को, इसको भी कट कर देना है। अब आपको फिर से फाइल के अंदर जाना होगा, ये अपन को यहाँ से बैक कर देना है, हमने टूल को मिनिमाइज़ कर दिया है। अब आपको रियलमी C2 के अंदर जाना है ये। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, अपने जो AMT6765 वाली एंड्रॉयड स्कैटर फाइल, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी नोटपैड के अंदर। तो इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, आपके में लिस्टिंग से भी आ सकती है मतलब सीधे सीधे, और यहाँ पे मेरी जो दिखा रही देख सकते हो इस टाइप की दिखा रही है, और नीचे से भी ऐसे स्क्रॉलर डाउन खिसका सकता हूँ मैं। तो अब आपको फाइल को फाइंड करना है कि हमारी फाइल जो है कहाँ पे, जैसे कि मैं तो आपको दिखा दूँ तो मुझे तो यहीं दिख गई, देख सकते हो मेरी फाइल यहाँ पे यूज़र डाटा वगैरह लिखा हुआ। जैसे आपको ना समझ में आए तो कंट्रोल F दबाना है और यहाँ पे लिख देना है यूज़र डाटा, और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कोडेंट फाइंड आ रहा है। तो दोस्तों एक मिनट, तो यहाँ पे अप पे क्लिक कर देना है और फाइंड करके देख लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये यूज़र डाटा IMG लिखा हुआ है, तो इसी टाइप का आपका भी आ जाएगा। तो इसको आपको खिसका देना है, ऐसे आप अप डाउन कर सकते हैं, मेरा तो नीचे से आ रहा है देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये फाइल है, अपन को लाइनर स्टार्ट को छोड़ के यहाँ पे फिजिकल एड्रेस और पार्टीशन एड्रेस दोस्तों देख सकते हो। तो फिजिकल को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया, टूल्स के अंदर जाना है और यहाँ पे इस पे फिजिकल वाला ऊपर पेस्ट कर देना है, और फिर से नोटपैड पे जाएंगे और ये पार्टीशन एड्रेस को भी कॉपी कर लेना है से सिलेक्ट करके, और यहाँ पे कॉपी कर देना है और फिर से टूल के अंदर जाके नीचे वाले में कर देना है हमको पेस्ट। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो हमने जो अपना ये बिंग एड्रेस था जो हमने इस पे यहाँ पे डाल दिया है। तो एक बार अपना एड्रेस को दोस्तों अच्छे से मिला लेना है कि आपका सही है कि नहीं है, नहीं तो आपका फ़ोन डेड भी हो सकता है, और इन केस डेड हो जाता है आपका फ़ोन तो आप फ्लैश भी कर सकते हैं, पोर्ट बनाएगा तो फ्लैशिंग से भी चालू हो जाएगा, तो घबराना नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो हमारा सब कुछ ओके है। तो अब आपको यहाँ पे टूल्स के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जो जैसा है वैसे ही रहने देना है, आपको ये फॉर्मेट पे रहना है। तो चलिए इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, इसको भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और फिर से यहाँ से फाइल के अंदर जाऊँगा और अब आपको ले चलता हूँ अपने फ़ोन के अंदर, सॉरी दोस्तों फ़ोन की तरफ। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे अभी भी हमारा फ़ोन चालू है, और यहाँ पे देख सकते हो टाइमिंग चल रही है, और यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए पावर ऑफ कर देता हूँ फ़ोन का, जिसकी थोड़ी दोस्तों बटन में मिस प्रॉब्लम है, थोड़ा जम के दबाना पड़ता है तब ये स्विच ऑफ होता है फ़ोन। तो चलिए पावर ऑफ कर देता हूँ, तो हमने पावर ऑफ कर दिया है। अब चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो यहाँ पे देख सकते हो ये MTK के बाईपास टूल, इस पर डबल क्लिक करके रन कर देते हैं रन को, और परमिशन देंगे यस, तो यहाँ पे जो टूल हमारा ओपन हो जाएगा। तो टूल ओपन हो चुका, हम थोड़ा सा इसको साइड में कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये बाईपास पे क्लिक कर देना है दोस्तों, और अब हमको वॉल्यूम अप एंड डाउन दबा के डेटा केबल को इंसर्ट करना होगा। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा जो सिक्योरिटी डिजेबल हो चुका है सक्सेसफुली देख सकते हो, और हमारे लैपटॉप का स्क्रीन ख़राब है इसलिए ग्रीन ग्रीन दिख रहा है यहाँ पर, देख सकते हो प्रोटेक्शन डिजेबल हो चुका है। चलेंगे अब अपने मोबाइल के अंदर, सॉरी दोस्तों मोबाइल के साइड, इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ। अब आपको ये कट कर देना है, ये भी कट कर देना है, और आपको सिंपल सा जो SP फ्लैश टूल ओपन था इसको ओपन करके यहाँ पे दोस्तों ये स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है, सही कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो प्रोसेस था, सक्सेस हो चुका है, फॉर्मेट डन हो चुका है, ओके लिख के आ चुका है, टिक लग चुका है। तो चलिए मोबाइल के तरफ चलता हूँ अब, और देखते हैं ये वर्क करा कि नहीं किया।
तो चलिए पावर ऑफ, ये पावर ऑन करेंगे फ़ोन का। तो पावर ऑन हो चुका है दोस्तों, थोड़ा सा वेट करेंगे, अब ये फ़ोन चालू होने में समय लेगा थोड़ा सा दोस्तों, थोड़ा सा वेट करेंगे, अब ये फ़ोन चालू होने में समय लेगा थोड़ा सा। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा फ़ोन फॉर्मेट हो चुका है, तो यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यू करेंगे, या आपको ज़्यादा है तो ये देख सकते हो, पूरा सेटअप करना है तो सेटअप भी कर सकते हैं, स्किप का ऑप्शन आ रहा है हमारे पे, ये देख सकते हो वाईफाई कनेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो ये FRP पे होगा, तो आपको क्या करना है, बैक चले जाना है फिर से इमरजेंसी में जाने के बाद, ये सॉरी दोस्तों, ये इमरजेंसी में जाने के बाद *813# सॉरी दोस्तों, तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे जो कोड ले लिया हमारा *813#, तो ये सीधे हमारा जो फोन है सेटअप कंप्लीट कर देता है, ये FRP नहीं मांगता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। आपको दोस्तों मैं एक कोशिश ये करूँगा कि आपको बिंग एड्रेस वगैरह जो हैगा मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको वो चीज़ फाइंड नहीं बन रही है करते तो सिंपल सी आप फाइल लोड बस कर लेना है, बाकी बिंग एड्रेस की कॉपी यहाँ से कर लेना है दोस्तों, और आप वो भी कर सकते हो उसके अंदर तो और बेटर रहेगा, बाकी मैं दे दूँगा आपको, कोशिश करूँगा दोस्तों यहाँ से। और आज दोस्तों अब यहाँ पर आपका फ़ोन देख सकते हो पूरा ये रीसेट हो चुका है, अब आपको सिंपल सा यहाँ पे एक बार फ़ोन को रीसेट कर देना है, रीसेट करके दे देना ताकि ये पूरा क्लीन हो जाए, तो दोस्तों बस रीसेट मार देना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे पूछ लेना, फाइल टूल का लिंक सबका पासवर्ड सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।